मेरी साइट पर अपना फर्जी प्रोफाइल बनाकर कामकाजी महिलाओं और हाई प्रोफाइल लड़कियों को टारगेट करने वाले साथी ठग को साउथ डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान फरहान ताहिर खान के रूप में हुई है। यह मात्र 12वीं पढ़ा हुआ लिखा है और छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन यह पेशेवर चीटर है। BMW गाड़ी रखता है और उस पर भी नंबर भी BVIP। जी हाँ, महंगे होटल में रुकता है और महंगे जिम में जाता है। यह प्रसिद्ध marriage.com पर वेबसाइट के जरिए वर्किंग महिलाओं को, हाई प्रोफाइल लड़कियों को संपर्क करता है, फिर उनको अपना प्रोफाइल दिखाकर उन्हें झांसे में लेता है, फिर उनसे मोटी रकम कभी गिफ्ट के बहाने कभी और किसी बहाने से उनसे लिया करता है। जी हाँ, इस चीटर की शिकार दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत महिला डॉक्टर हुई है। उसने 26 मार्च को इसकी कंप्लेंट दी थी। इसकी शिकायत पर जांच के लिए DCP विनीता मेरी जैकर ने एडिशनल DCP हर्षवर्धन की देखरेख में एडिशनल DCP पवन कुमार, ACP ऑपरेशन राजेश कुमार, साइबर पुलिस स्टेशन इंचार्ज अरुण कुमार वर्मा, जांच अधिकारी संजय सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र और लेडी कांस्टेबल राजू की एक बड़ी टीम बनाई। इस टीम ने लगातार 18 दिन के बाद आखिरकार इसमें कामयाबी पाई और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। RSONI न्यूज के लिए शुभम कुमार की रिपोर्ट। ये जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, पिछले 6-7 महीने से ये काम कर रहा था उसके हिसाब से, और हमारे सामने एक लेडी डॉक्टर आई, ये कंप्लेन लेके आई मार्च में, 26 मार्च को आई, और फिर हमने ये केस दर्ज किया। उसने बोला कि मेरे बहुत सारे पैसे एक आदमी ने फेक प्रोफाइल बना के ले लिए हैं, और दिस इज़ अ मैटर ऑफ चीटिंग बोल के ये बात शुरू हुई। तो जब कैसे इसको आपने ट्रैप किया, कितना दिन लगा इसको ट्रैप करने में? थोड़ा सा लंबा मैटर था ये, क्योंकि इसने कई सारे प्रोफाइल जीवन साथी मैट्रिमोनियल साइट पे बना रखे थे। आई थिंक अबाउट 6 प्रोफाइल्स, मैनी बैंक अकाउंट्स, ही हैड मैनी फ़ोन नंबर्स। सो इन सबको कनेक्ट करना और ये कंफर्म करना ये कि ये सारी प्रोफाइल एक ही आदमी को बिलोंग करता है, अलग अलग नाम से करता था बट फोटो अपना ही लगाता था, लेकिन डिफरेंट बैकग्राउंड एंड डिफरेंट पोस्टर्स। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड रहता है उड़ीसा में। मैडम, ये जो आरोपी हैं, जैसे अपने मदर फादर को डेथ दिखा रहा, BMW ये चल रहा जी, और अकेला दिखा रहा था, क्या है? जी, ये कहता था कि मेरे मदर और फादर एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है और मैं सिंगल हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है छत्तीसगढ़ में, और लगभग मेरी 40 लाख के करीब है इनकम एक साल की। सो आई एम वेरी वेल ऑफ। BMW कार के साथ फ़ोटो पोस्ट करके वो शेयर करता था। एक्चुअली मैं इसका कुछ टाइम पहले कार सेल परचेज का बिजनेस था, तो गाड़ी उस वे में उसके पास आई, उसके पास इसकी गाड़ी तो है नहीं है, एंड ये कई बार सेल परचेज के लिए पहाड़गंज इलाके में आ चुका है, तो ही इज़ फेमिलियर विद दरियागंज एंड पहाड़गंज, एंड दिल्ली में जब भी आता था वहीं के होटल्स में ये रुकता था, और वहीं से वो पकड़ा भी गया लास्ट में। लेकिन कैसे इनके झांसे में आती थी, एक दो आ जाए मैं इतनी संख्या में आना? वी ऑलरेडी हैव 36, तो ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा हैं, और हमारे पास एटलीस्ट 4-5 लेडीज़ तो फिज़िकली आ गई, बाकी लोगों से हमारा फ़ोन पर कॉन्टैक्ट हुआ है। एंड क्योंकि एक ऐसा मैटर है, कई लोग हेजिटेट करते हैं खुल के बोलने में कि हमारे साथ ऐसा हुआ, एंड बिकॉज विक्टिम्स आर विमेन, कई हेजिटेशंस उनको होते हैं ये बस शेयर करने के लिए कि क्या क्या हुआ या कितना ये करता था। तो वहाँ हर कि एक बार जाओ वहाँ, 2 दिन रुको, उस 2 दिन में उन लेडी से मिलता था फिजिकली, BMW में जाता है, दिल्ली में तो BMW में जाता था, एंड देन ही विल इम्प्रेस देम। सो फिज़िकल एक बार हो जाए तो विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है कि बैठे कॉफ़ी शॉप में बैठे कॉफ़ी पी, अच्छे से बात करी, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर फ़ोन पे बात करी, और फिर 1 हफ्ते बाद पैसे पूछा, तो ट्रस्ट लेवल इज़ मच मोर। ऐसा आदमी नहीं है कि मैं खाली आपसे ऑनलाइन बात करूँ, मैं आपसे फिज़िकली आई एम टेकिंग द एफर्ट टू कम एंड मीट यू इन नागपुर, आई एम कमिंग एंड मीटिंग यू इन दिल्ली,
एंड बिल्डिंग अ ट्रस्ट विद यू। तो प्रोफाइल क्या है इसका, कितना पढ़ा लिखा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इज 12th पास ही, उसके फादर हैं एंड दे लिव इन ओरिसा प्रेजेंटली, मैरिड, वन चाइल्ड। ये कार सेल परचेज का काम था उसका, ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आइडिया कैसे दिमाग में इसको आया कि ये करना चाहिए, कुछ बताया पूछताछ में? He has not revealed that much. He just said that मैंने मजाक में या ऐसे ही टाइम पास के लिए जीवन साथी में मैंने प्रोफाइल बनाई, मुझे कई सारी women की प्रोफाइल दिखी and then I thought this is a good way to manipulate them and make money. पहली बार पकड़ा गया? हाँ पहली बार पकड़ा गया, yes। अच्छा मैडम ये जो BMW का plate, it's a VIP number plate BMW. एंड somebody, a far connect person ने इसको दिया था कि तुम ये बिकवा दो मेरे लिए, तो वो तो था ही इसका काम। अच्छा। तो उसने इसको ये, इसके लिए बहुत अच्छा हो गया, मैं BMW में आता जाता हूँ, टेक वेमेन अराउंड, उनको ले गए कॉफ़ी के लिए, डिनर के लिए। इनकी वाइफ को पता था, क्योंकि ये फोटो जिसका लगता है ओरिजिनल, फेसबुक जो भी कर रहे हैं, इनको वाइफ को पता था? वी डोंट थिंक द वाइफ नोस, एट लीस्ट नो, बिकॉज ये ट्रैवल आउट स्टेशन रह रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो एक्चुअल रीजन कार सेल परचेज के लिए मैं जा रहा हूँ। तो साइबर टीम कौन कौन थे टीम में, जो किस टीम ने इट वॉज यू नो बिग टीम दैट वर्कड ऑन इट, नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन, स्टार्टिंग फ्रॉम द SHO। तो इनके तिहाड़ जेल भेजा गया या फिर रिमांड पे लिया आपने? PC रिमांड पे लिया हमने उसको, क्या सो दैट वी आइडेंटिफाई मोर विक्टिम्स, क्योंकि हमारे पास अभी फिजिकली सामने तो 3-4 आए हैं ना, ऑन फोन वी हैव कॉन्टेक्टेड मोर, वी हैव 36 फोन।